सो हाय एवरीवन, दिस इज़ अश्विन जायसवाल और हम लोग आईएससी कॉमर्स के चैप्टर नंबर 2 पर आ गए हैं। अब दिस चैप्टर इज़ अबाउट द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। तो बेसिकली बिजनेस के बारे में बात करेंगे, व्हाट इज़ बिजनेस, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एम क्या, ऑब्जेक्टिव्स क्या, बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। सो ऑल अबाउट बिजनेस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस चैप्टर। दिस इज चैप्टर नंबर 2 फॉर आईएससी क्लास 11। ठीक है, तो अगर आपको ये स्क्रीन पर जो नोट्स नज़र आ रहे हैं, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, उस टेलीग्राम के लिंक से जाकर आप नोट्स डाउनलोड कर लेना एंड प्रिंट करके फिर पढ़ना। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस का मतलब पहली बात तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ पे गुड्स या सर्विस हम लोग प्रोवाइड करेंगे किसी को। गुड्स या सर्विस, गुड्स मतलब एनीथिंग जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, सर्विस मतलब एनीथिंग जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, जैसे टीचर आपको नोट्स देता है तो नोट्स इज गुड्स, लेकिन टीचर जो आपको ज्ञान देता है दैट इज सर्विस, बिकॉज वो फिजिकल एग्जिस्टेंस में नहीं होता। सो हम लोग बिजनेस किसको बोलेंगे? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, एंड रेगुलरिटी होनी चाहिए इस चीज़ में। तो देखो, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस होगा, ठीक है, जिसमें दोनों पार्टीज का गेन होगा। मतलब मेरे को पैसा मिलेगा, अगर हम कुछ बेच रहे हैं तो मेरे को पैसा मिलेगा और सामने वाले को गुड्स या सर्विस मिल जाएगा। ठीक है, एंड वी आर डूइंग इट फॉर प्रॉफिट। ये रेगुलर होना चाहिए, रेकरिंग होना चाहिए, मतलब इस एक्टिविटी को बार बार हमने करना चाहिए, तो फिर ये बिजनेस कहलाएगा। अगर हम कोई चीज़ एक ही बार करते हैं, ठीक है, अगर हम कोई चीज़ एक ही बार करते हैं या बहुत कम बार करते हैं, जैसे आप मान लो क्लास 10 का बुक है आपका, क्लास 10 तो पास हो गए, अभी 11 में आ गए हो, 10 का आपका बुक है, आपने 10 का बुक किसी जूनियर को सेकंड हैंड बेच दिया, 50% डिस्काउंट पे बेच दिया, तो क्या उसको बिजनेस बोलेंगे? दैट इज़ नॉट बिजनेस। व्हाई? बिकॉज वो रेगुलर नेचर का नहीं है, रेकरिंग नेचर का नहीं है, वो आप बार बार नहीं करेंगे। दैट इज़ नॉट योर डेली एक्टिविटी या मंथली एक्टिविटी, वो आपका हर बार का नहीं है। एक बार कर दिया, अभी 10 का बुक का जरूरत नहीं है तो कर दिया, बट वो हमारा काम थोड़ी ना है। दैट इज़ नॉट वट वी आर सपोज टू डू एवरी टाइम। तो वो बिजनेस नहीं होगा। बिजनेस वो होगा जो रेगुलर करते हैं। अगर बुक स्टोर वाला बुक बेचता है तो वो बिजनेस है, बट आप अपना क्लास 10 का बुक बेचते हैं तो वो बिजनेस नहीं है, क्योंकि आपने एक बार किया है, आपका वो डेली का काम नहीं है। ठीक है, सो दिस इज बिजनेस। ठीक है, और ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। हम लोग आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे। ठीक है, और एक एक करके अभी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है, देखो ध्यान से सुनते जाना। ठीक है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ मतलब कोई यूजफुलनेस तो नहीं बोलेंगे, मतलब किसी तरीके का आपका वांट सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, आपका वांट सेटिस्फाई हो जाए, बिजनेस का यही काम है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़, यूटिलिटीज़ कब क्रिएट होता है? जब आपका वांट सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, सो बिजनेस में ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जो आपके वांट्स को सेटिस्फाई करे। ठीक है, जैसे अभी आप जिस फ़ोन पे या जिस लैपटॉप पे ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपका वांट था ना कि आप क्लास चला के देखो। तो जिस भी कंपनी ने ये फ़ोन बनाया है या जिस भी कंपनी ने ये लैपटॉप बनाया है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो उस कंपनी ने आपके लिए यूटिलिटीज़ ही तो क्रिएट किया है, आपका वांट को सेटिस्फाई तो किया है। समझ में आ गया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट आता है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? हम लोग यहाँ पे गुड्स और सर्विस में डील करते हैं। अब जो गुड्स है वो कंज्यूमर गुड्स भी हो सकता है, गुड्स जो है वो प्रोड्यूसर गुड्स भी हो सकता है। ठीक है, गुड्स कैन बी कंज्यूमर गुड्स, गुड्स कैन बी प्रोड्यूसर गुड्स ऑल्सो। गुड्स पहला बात क्या है? गुड्स कोई भी ऐसा चीज़ है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। आपका फ़ोन, आपका लैपटॉप, आपके सर के ऊपर जो फैन चल रहा है, आपके घर में अगर एसी चल रहा है, लाइट, टेबल, चेयर, ये सब फिजिकल एग्जिस्टेंस वाले चीज़ है, ये सब सबके सब गुड्स है। गुड्स दो टाइप के हो सकते हैं, एक जो कंज्यूमर खरीद के ले जाएगा अपने घर में यूज़ करेगा, और एक जो प्रोड्यूसर खरीद के ले जाएगा अपने फैक्ट्री में यूज़ करेगा। तो एक गुड्स होता है जो फाइनल कंजम्पशन के लिए बनाया जाता है, और एक गुड्स होता है जो प्रोड्यूसर लोग लेकर जाते हैं टू प्रोड्यूस सम अदर गुड्स, जैसे कि मशीन। मशीन प्रोड्यूसर लेकर जाता है और अपने फैक्ट्री में फिर से उसको यूज़ करता है कुछ और प्रोडक्शन करने के लिए। तो मशीन क्या है? प्रोड्यूसर्स गुड्स। और सपोज आप चेयर खरीद के लाए हो घर पे बैठने के लिए, तो चेयर क्या है? कंज्यूमर्स गुड। ठीक है, और लास्ट आता है इसमें सर्विस। सर्विस क्या होता है? एनीथिंग इनटैंजिबल, एनीथिंग इनटैंजिबल। ठीक है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? आप कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस वाला चीज़ थोड़ी ना है। अगर आप बस का टिकट खरीदते हैं, ट्रेन का टिकट खरीदते हैं, प्लेन का टिकट खरीदते हैं, तो आपने किस चीज़ के लिए वो पैसा दिया है? एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो ये सर्विस होता है, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट समथिंग फिजिकल। आप ट्रांसपोर्टेशन किसी को उठा के दे नहीं सकते,
आप ट्रांसपोर्टेशन को टच नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्टेशन इज अ कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3 और 4 पे चलते हैं। अब 3 नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है, कंटिन्यूटी इन डीलिंग आना चाहिए। ये हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि बार बार किसी एक्टिविटी को करने से वो बिजनेस होता है। एक बार कुछ कर लिया या बहुत साल में 2 बार कर लिया, दैट इज नॉट बिजनेस। कंटिन्यूटी होना चाहिए, रेगुलरिटी होना चाहिए, तो ही फिर बिजनेस कहलाएगा। जैसे क्लास 10 का बुक आप बेच रहे हो तो बिजनेस नहीं कहलाएगा, ठीक है। ओके नंबर फोर बोल रहा है इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, इसमें सेल, ट्रांसफर एंड एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है। देखो सेल किसको बोलते हैं, सेल हम लोग बोलते हैं व्हेन वी गिव द गुड्स एंड वी रिसीव मनी, तो वो सेल हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल सा बात है, हमने गुड्स दिया, हमने पैसा पाया, दैट इज सेल। ट्रांसफर किसको बोलते हैं, अब देखो मेरा एक ब्रांच कोलकाता में है और मेरा दूसरा ब्रांच जयपुर में है, तो जयपुर ब्रांच में कुछ शॉर्टेज हो गया गुड्स का, तो मैंने कोलकाता से जयपुर में ट्रांसफर कर दिया कुछ गुड्स, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर, ठीक है। तो अपना गुड्स कोलकाता ब्रांच से जयपुर ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर, ठीक है। अच्छा एक्सचेंज क्या होता है, एक्सचेंज होता है व्हेन आई विल गिव गुड्स एंड बदले में ऑल्सो आई विल रिसीव गुड्स, नॉट मनी, आई विल रिसीव गुड्स, जो बार्टर सिस्टम था पहले, तो उसको बोलते हैं एक्सचेंज। तो बिजनेस में ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है, गुड्स आपसे जाएगा, बदले में पैसा आएगा, या आप अपने ब्रांच में ट्रांसफर करोगे, या बदले में प्रोडक्ट्स आएगा, ठीक है। तीन में से एक चीज होगा वो बिजनेस है। नंबर फाइव एंड सिक्स में क्या बात हो रहा है, नंबर 5 और 6 में ये बात हो रहा है कि पहली बात तो हम लोग बिजनेस क्यों करते हैं, हम लोग बिजनेस प्रॉफिट के इंटेंशन से करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट हो ना हो वो बात का बात है, प्रॉफिट होगा कि नहीं दैट इज नॉट वी आर टॉकिंग अबाउट, प्रॉफिट नहीं भी हो सकता है, लेकिन इंटेंशन का बात हो रहा है, मोटिव का बात हो रहा है। प्रॉफिट करने के लिए बिजनेस करते हैं, होगा कि नहीं दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट जो यहां पे हम लोग डील कर रहे हैं, एलिमेंट ऑफ रिस्क, बिजनेस करने में रिस्क है, क्या रिस्क है, लॉस भी तो हो सकता है, ठीक है। हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, व्हाट इफ कंज्यूमर्स ज्यादा नहीं आए, व्हाट इफ मेरे बिजनेस में किसी तरीके का एक्सीडेंट हो गया, फायर लग गया, पूरा फैक्ट्री बर्बाद, व्हाट इफ मेरे बिजनेस में चोरी हो गया, किसी भी तरीके से मेरे को नुकसान हो गया, नुकसान होने का रिस्क होता है बिजनेस में, और इसी रिस्क के वजह से हम लोग प्रॉफिट चार्ज करते हैं कंज्यूमर से। कंज्यूमर्स को हम लोग बोलते हैं कि देखो भाई कंज्यूमर, हम आपसे ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, प्रोडक्ट का जो दाम है ना उससे ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमने रिस्क उठाया है आपको ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करने के लिए, तो इस रिस्क के बदले में हम आपसे प्रॉफिट चार्ज करेंगे, ठीक है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स था। अब हम लोग आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स के तरफ, ठीक है, लेट्स डिस्कस दी ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स में हम लोग पहले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप देखोगे इस नोट्स में एक साइड में इकोनॉमिक दिया हुआ है, एक साइड में सोशल दिया हुआ है, तो अभी हम लोग इकोनॉमिक को डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है बिजनेस के, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव देखो, बिजनेस क्यों किया जाता है, बेसिकली प्रॉफिट कमाने के लिए, प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ एवरी बिजनेस। हम लोग बिजनेस क्यों कर रहे हैं, व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर, ऑब्जेक्टिव्स में क्या डिस्कस कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, एम क्या है बिजनेस का, बिजनेस क्यों किया जाता है। तो उसका इकोनॉमिक वाला एम है प्रॉफिट कमाना, जो सेलर्स है, जो प्रोड्यूसर्स है, वो लोग प्रॉफिट कमाते हैं इसलिए बिजनेस करते हैं। सेकेंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज क्रिएटिंग न्यू कस्टमर्स, ठीक है, अच्छे से बिजनेस करेंगे, व्हाई डू वी डू बिजनेस, सो दैट हम कस्टमर्स क्रिएट करें, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स अपने पास लाएं, क्यों लाएं, क्योंकि कस्टमर्स ही तो पैसे देंगे, मेन आइडिया क्या है, मेन आइडिया पैसा कमाना है, तो उसके लिए कस्टमर्स लगेंगे, कस्टमर्स आएंगे कैसे, अगर हम लोग अच्छा बिजनेस करेंगे, इफ वी डू गुड बिजनेस, इफ वी डू ऑनेस्ट बिजनेस, देन मोर कस्टमर्स विल कम, इफ वी केयर अबाउट द कस्टमर्स तो कस्टमर्स आएंगे और आपको फिर ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। देखो ये बात है, नो बिजनेस कैन सक्सीड, कोई भी बिजनेस सक्सीड नहीं कर सकता अगर वो कस्टमर्स को वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है, सिर्फ कस्टमर से पैसा ले रहे हो, बदले में उनको कुछ ढंग का मिल नहीं रहा है, तो ऐसे बिजनेस सक्सीड नहीं करते, लॉन्ग टर्म में बिल्कुल नहीं करते। अगर आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है तो आपको अपने कस्टमर्स के साथ लॉयल रहना पड़ेगा, कस्टमर्स के साथ ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, ठीक है, एंड उनको उनका फायदा का सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव आता है इनोवेशन, इनोवेशन बिजनेस इसलिए करते हैं सो दैट हम इनोवेशन ला पाए, इनोवेशन का मतलब होता है कुछ नया ला पाए। आप फोन को ही देख लो, आज फोन किस तरीके का दिखता है और 10 इयर्स पहले किस तरीके का दिखता था। देखो 10 इयर्स पहले भी नेट चलता था फोन में,
10 ईयर्स पहले भी कॉलिंग होता था, 10 ईयर्स पहले भी कैमरा था, 10 ईयर्स पहले म्यूजिक भी था, मैसेजिंग भी होता था, एवरीथिंग 10 ईयर्स पहले भी होता था, आज भी होता है. बट 10 ईयर्स पहले का अगर आप मॉडल देखेंगे और आज का अगर आप फ़ोन का मॉडल देखेंगे तो आपको काफ़ी चेंज दिखेगा. व्हाई? बिकॉज बिजनेस के वजह से इनोवेशन आया है, नया नया तरीके से इम्प्रूवमेंट लाया गया है फ़ोन में या किसी भी प्रोडक्ट में. तो प्रोडक्ट्स में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए हम लोग बिजनेस करते हैं. बिजनेस करेंगे, कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, कॉम्पिटिशन विल फोर्स अस कि हम अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट बनाएं. एंड इसी अच्छे बनाने के चक्कर में प्रोडक्ट्स इंप्रूव होते जाते हैं, इनोवेट होते जाते हैं. दीज आर द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स. अब हम लोग एक बार सोशल ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं, ठीक है. सोशल ऑब्जेक्टिव्स मतलब सोसाइटी के लिए क्या ऑब्जेक्टिव्स है बिजनेस का, सोसाइटी के तरफ, समाज के तरफ क्या ऑब्जेक्टिव है. तो पहला ऑब्जेक्टिव है कि हमें सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस करना है दैट इज़ रिक्वायर्ड बाय द सोसाइटी. हमें ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए, बिजनेस का ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए सोसाइटी के लिए. बिजनेस का ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि सोसाइटी में हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जो सोसाइटी को फ़ायदा पहुंचाए, सोसाइटी के लिए कुछ यूजफुल हो. तो दिस इज़ द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, ठीक है. सप्लाइंग गुड्स जो चाहिए सोसाइटी को एंड दैट टू एट रीजनेबल प्राइस. मतलब बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं चार्ज करना है, केवल प्रॉफिट के हिसाब से नहीं सोचना, सोसाइटी का भला हो और ठीक ठाक प्राइस चार्ज करे. जितना प्राइस बनता है उतना चार्ज करे, कुछ ज़्यादा ही ना कर ले, ठीक है. सो दिस इज़ द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव. सेकंड आता है फेयर रेम्यूनरेशन टू द एम्प्लॉयज़. एम्प्लॉयज़ कौन होते हैं? एम्प्लॉयज़ हमारे वर्कर्स होते हैं जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो वो भी तो समाज का हिस्सा है, वो भी तो सोसाइटी का हिस्सा है. तो उनको हमें अच्छा सैलरी देना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, काम के हिसाब से देना चाहिए. फेयर रेम्यूनरेशन होना चाहिए, मतलब जितना काम किया उस हिसाब से सैलरी देना चाहिए. बिजनेसमैन का ये इंटेंशन होता है कि अपने एम्प्लॉयज़ का सैलरी कम कर दे, बहुत कम कर दे और उन्हीं का सैलरी खुद खाए, ठीक है. ये इंटेंशन नहीं होना चाहिए. इंटेंशन ये होना चाहिए कि अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखे, जस्टिफाइड सैलरी दे. बहुत ज़्यादा भी नहीं देना है, बहुत कम भी नहीं देना है, जस्टिफाइड सैलरी दे तो वो भी अच्छे से खुश मूड में काम करेंगे. थर्ड ऑब्जेक्टिव आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस का काम है कि सोसाइटी में जॉब्स क्रिएट करे सो दैट सोसाइटी वालों को काम करने का मौका मिले. तो बिजनेस ज़्यादा बढ़ेगा तो सोसाइटी में जॉब्स बढ़ेगा. एंड लास्ट आता है फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स. रिटर्न मतलब प्रॉफिट, ठीक है. इन्वेस्टर कौन होता है? इन्वेस्टर वो होता है जिसने आपके बिजनेस में पैसा लगाया है. जैसे आपने वो देखा होगा, एक टेलीविजन प्रोग्राम आया था कुछ टाइम पहले, शार्क टैंक, शार्क टैंक इंडिया. तो शार्क टैंक इंडिया क्या था, उसमें जो चार पांच लोग बैठे रहते थे जज, वो क्या थे? इन्वेस्टर्स थे. वो आपके बिजनेस में पैसे लगाने वाले लोग हैं. वो आपके बिजनेस में क्यों पैसे लगाएंगे? क्योंकि उनको दिखता है कि आपका बिजनेस ग्रो करने वाला है. तो आपका बिजनेस ग्रो करने वाला है तो आज पैसा लगा दो, तो जब बिजनेस ग्रो करेगा तो पैसा उनका भी ग्रो करेगा. तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? इन्वेस्टर्स विल पुट मनी इन योर बिजनेस. और वो अगर आपके बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं तो इस इंटेंशन के साथ लगा रहे हैं कि कल को उनको ग्रोथ मिलेगा. तो बिजनेस का ये एम होना चाहिए कि जिन लोगों ने आपको पैसा दिया है उनका पैसा आप ग्रो करवाओ, उनको आप ज़्यादा रिटर्न दिलवाओ, ज़्यादा प्रॉफिट दिलवाओ. सो दीज आर द सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस. आइए अब हम लोग ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स करते हैं. बिजनेस का ह्यूमंस के तरफ क्या ऑब्जेक्टिव है, मतलब अब सिर्फ पर्सन रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है, पीपल रिलेटेड बात करेंगे. तो ह्यूमन रिलेटेड, अब देखो आपके यहाँ पे लेबर लोग काम करते हैं, बहुत सारे लेबर्स काम करते होंगे, फैक्ट्रीज में काम करते होंगे. तो लेबर का वेलफेयर का ध्यान रखना है आपको, ठीक है. आपको ध्यान रखना है कि उनको ड्यू रिकग्निशन मिले, उनका डिग्निटी बना रहे. मतलब जस्ट बिकॉज वो लेबर है, वो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनका डिसरिस्पेक्ट करेंगे या उनको बहुत कम सैलरी देंगे या उनके काम को कोई इज्जत नहीं देंगे, ठीक है. वो लेबर है, आपको उनका रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, आपको उनको उतना ही वेजेस देना पड़ेगा जितना उन लोगों ने जिस हिसाब से काम किया है. एंड रिस्पेक्ट तो देना पड़ेगा चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा काम कर रहे हो, ठीक है. तो यू हैव टू रिस्पेक्ट द लेबर्स. ह्यूमन में नेक्स्ट आता है डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स. बिजनेस का एम है कि आपके पास जितने ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स मतलब जितने लोग आपके पास काम कर रहे हैं, जितने भी वर्कर्स आपके पास काम कर रहे हो, चाहे लैपटॉप पे बैठ के काम करते हो या फैक्ट्री में मशीन में जाके काम करते हो, ठीक है, वो कैसा भी काम करते हो वो आपके ह्यूमन रिसोर्स है. और ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट हो, ये आपका एम होना चाहिए बिजनेस का.
बिजनेस कैसे डेवलप कराएगा उनको, उनको ट्रेनिंग दिलवाकर। अगर मार्केट में कोई नया मशीन आया है तो लेबर को सिखाओ कि वो नया मशीन कैसे चलाना है। अगर मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजीज आए हैं तो अपने इम्प्लॉयज़ को सिखाओ कि वो नया टेक्नोलॉजी कैसे चलाना है, उनको ट्रेनिंग पे भेजो, ठीक है, उनको डेवलप कराओ, उनको सेमिनार्स, करियर गाइडेंस सेमिनार्स में लेकर जाओ, उनका कैरेक्टर बिल्ड कराओ। तो ये सब काम होता है बिजनेस का, कि अपने इम्प्लॉयज़ को, अपने वर्कर्स को सिर्फ सैलरी दे रहे हैं और काम करा रहे हैं, ये नहीं, उनका फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, उनका वर्क वाइज, टैलेंट वाइज, स्किल सेट वाइज डेवलपमेंट होना चाहिए। ये एम होना चाहिए बिजनेस का अपने ह्यूमंस रिसोर्स के बीच में। नेक्स्ट आता है पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। देखो, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट किसको बोलते हैं, जब हम लोग वर्कर्स को भी पार्टिसिपेट करने दें अपने बिजनेस में। मतलब जनरली बिजनेस कौन चलाता है, जो बिजनेस ओनर्स होते हैं, ओनर्स एंड देयर पार्टनर्स, ये लोग बिजनेस चलाते हैं। बट हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने वर्कर्स से भी इनपुट्स लेने चाहिए, बिकॉज जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है ना, दे नो द रियलिटी, उनको रियलिटी पता है। जो कस्टमर्स से डील कर रहे हैं उनको रियलिटी पता है कि कस्टमर्स क्या चाहता है। हम लोग एसी रूम में बैठ के ये नहीं डिसाइड कर सकते कि व्हाट द कस्टमर्स वांट। अल्टीमेटली कस्टमर्स का रिक्वायरमेंट उन लोगों को पता होगा जो कस्टमर्स से डील कर रहे हैं, जो ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, जो नीचे लेवल पे काम कर रहे हैं, उनको, दे इंटरेक्ट विद द कस्टमर्स, दे नो द रियल थिंग। तो हमें उनको चांस देना चाहिए कि आप अपनी बात को रखो, आप अपने आइडियाज़ दो, आप अपने सजेशंस दो, आप अपने कंप्लेंट्स रखो। तो जब हम लोग दूसरों को भी चांस देते हैं ना कि भाई मैनेजमेंट कर रहे हैं, आप भी अपना इनपुट लाओ, आप भी अपना सजेशन, इंफॉर्मेशन, कंप्लेंट्स, ये सब हमें बताओ। तो व्हेन वी गिव चांस टू अदर्स ऑल्सो, दिस इज कॉल्ड पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, व्हेन वी आर अलाउिंग अदर्स ऑल्सो टू पार्टिसिपेट। बात क्लियर है? ओके। नेक्स्ट आता है लेबर मैनेजमेंट कोऑपरेशन। लेबर हो जाते हैं जो वर्कर्स हैं, एंड मैनेजमेंट हो जाते हैं जो बिजनेस चला रहे हैं। तो वर्कर्स में और मैनेजमेंट में, जो बिजनेस चला रहे हैं, इन दोनों में ना हमेशा कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन होना चाहिए, बिकॉज मैनेजमेंट विल गिव द डायरेक्शन एंड लेबर्स हैव टू वर्क इन दैट डायरेक्शन। तो इन दोनों लोगों में हमेशा एक यूनिटी बना रहना चाहिए, इन दोनों में टसल नहीं होना चाहिए, इन दोनों में झगड़ा नहीं होना चाहिए, बिकॉज वर्कर्स में और मैनेजमेंट में अगर झगड़ा हो गया तो वो बिजनेस ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगा, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बिजनेस का ये ऑब्जेक्टिव हो कि जो मैनेजमेंट है एंड जो लेबर्स है, ये साथ मिलकर काम करे, एक यूनिट बन के काम करे, ठीक है। अब आ जाते हैं बिजनेस का देश के लिए क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, हमारे नेशन के लिए, जितने भी हमारे देश में बिजनेस है वो देश के लिए क्या कर सकते हैं, व्हाट शुड बी देयर ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स इंडिया। तो पहला बात आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब होता है बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन, वेस्टेज नहीं करना है। देश का इंपॉर्टेंट रिसोर्स है पानी ही, मान लो आप यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन में, ऐसा बहुत सारा चीज़ है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स के प्रोडक्शन में वाटर लगता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कुछ ना कुछ नेचुरल रिसोर्स लगता है, तो वेस्ट नहीं करना है, यूज करो, यूज करने से कोई नहीं रोक रहा है, बट ऑप्टिमली यूज करो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, वेस्टेज नहीं करना है, ओवर यूज नहीं कर देना है। जो जमीन से रिसोर्सेज निकालते हैं, मिनरल्स निकालते हैं, दैट शुड नॉट बी वेस्टेड, बिकॉज वो कंट्री का रिसोर्स है, इससे कंट्री का नुकसान है, और कंट्री का नुकसान होगा तो जो कंट्री में रह रहे हैं उनका भी नुकसान होगा, तो अपना ही नुकसान क्यों करे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट आता है बिजनेस का कि बिजनेस शुड मेक द कंट्री सेल्फ रिलायंट। आप देखते होंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी कुछ एक दो साल से, कोविड जब से आया है, ही सेइंग कि हमें कंट्री को आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर इज दिस ओनली, सेल्फ रिलायंट बनाना है। सेल्फ रिलायंट मतलब सेल्फ डिपेंडेंट, जहां हम किसी और कंट्री पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रह सके। देखो 100% तो सेल्फ रिलायंट नहीं बन सकते, ठीक है, बिकॉज ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्री में नहीं हो पाएगा, बिकॉज पॉसिबल नहीं है कि 100% चीज़ हो, बट मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना हमें ट्राई करना चाहिए एज अ बिजनेस, ठीक है। अगर आप बिजनेस चला रहे तो आपको ये एम होना चाहिए कि आप अपने कंट्री को सेल्फ डिपेंडेंट बनाओ। यू शुड नॉट लेट द कंट्री रिमेन डिपेंडेंट ऑन फॉरेन पावर्स। हम दूसरे कंट्री पर डिपेंडेंट रहे टेक्नोलॉजी के लिए, दवाई के लिए, ठीक है, वैक्सीन्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, फ्रूट्स के लिए, क्या हमारे कंट्री में तो हो ही सकता है ये सब, ठीक है। तो जिन चीज़ों के लिए हम डिपेंडेंट है वो ठीक है, बट जिन चीज़ों को हम बना सकते हैं अपने कंट्री में, क्यों ना आप बिजनेस करें उन चीज़ों का, और अपने कंट्री में ही वो सेल्फ रिलायंस बना दें, हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट बना दें अपने कंट्री को, ठीक है। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किसको बोलते हैं, जो छोटे लेवल पे बिजनेस करते हैं। तो बिजनेस का ये भी एम है
कि देश में छोटे छोटे बिजनेसेस क्रिएट हो। इससे क्या होता है ना, जॉब पे प्रेशर बहुत कम हो जाता है। अगर कोई अपना काम करता है ना, तो पहली बात तो वो दूसरों के यहाँ जॉब करने जाएगा नहीं, तो जॉब के लिए बर्डन कम हो जाता है। एंड प्लस वो अगर अपना काम करेगा ना, तो उल्टा वो दूसरों को काम दे देगा आगे जाके, ठीक है। तो एक तो छोटे बिजनेस करने का ये फ़ायदा है कि आप दूसरों पे जॉब के लिए बर्डन नहीं बनोगे। सेकंड फ़ायदा ये है कि आप उल्टा दूसरे लोगों को नौकरी देना स्टार्ट कर देंगे। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर द कंट्री कि आप जॉब का प्रेशर कम कर रहे हो कंट्री पे। छोटा बिजनेस करके ही आप जॉब का प्रेशर कम कर रहे हो। एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट कि आप देश के बैकवर्ड रीजन्स को डेवलप कर सकते हैं। बिकॉज देखो, अगर आप छोटे बिजनेस करेंगे तो बड़े शहर में तो कम जाते हैं ना, बिग सिटीज़ में कौन लोग जाते हैं? जो बड़ा बिजनेस करते हैं वो बिग सिटीज़ में जाते हैं, पर जो छोटा बिजनेस करते हैं वो गांव में भी कर सकते हैं, विलेजेस में भी कर सकते हैं, बैकवर्ड एरियाज़ में भी कर सकते हैं। तो बैकवर्ड एरियाज़ में करोगे तो ऐसे एरियाज़ में भी डेवलपमेंट आना शुरू होगा, वहाँ के लोगों में भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के चलते पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। सो पैसा आना शुरू हो जाएगा तो फिर वो लोग अपना घर बनवाएंगे, रोड बनवाएंगे, बिजली आएगा, ठीक है, डिमांड बढ़ेगा। जैसे जैसे चीज़ों का डिमांड बढ़ेगा, वैसे वैसे वो सब चीज़ें भी आएंगी वहाँ पे। तो इस तरीके से देश का बैकवर्ड रीजन जो है वो डेवलप होगा अगर बिजनेस अच्छा होता है तो, ठीक है। लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम लोग इस चैप्टर का देखने जा रहे हैं वो है रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। प्रॉफिट का क्या काम है बिजनेस में? तो प्रॉफिट का बहुत इंपॉर्टेंट काम है भाई। पहला पॉइंट आ रहा है कि ये इंसेंटिव है। इंसेंटिव का मतलब है ड्राइविंग फोर्स। इंसेंटिव उस चीज़ को बोलते हैं जो आपका मोटिवेशन होता है, ठीक है। बिजनेस क्यों करते हैं? प्रॉफिट के लिए करते हैं। प्रॉफिट मिल रहा है तभी तो बिजनेस कर रहे हैं, अगर प्रॉफिट मिलता ही नहीं तो फिर बिजनेस नहीं करते। तो बिजनेस क्या है? इट इज़ द ड्राइविंग फोर्स। इट इज़ दैट फोर्स विच इज़ forcing you to do the business. It is a motivational factor. उसको बोलते हैं incentive. Next आता survival. देखो, जब खराब time आता है, यहाँ दो point दिख रहा होगा, survival and growth. Survival कब करते हैं and growth कब करते हैं? जब खराब time आता है, जैसे आप COVID का time याद करो, 2020 में जब COVID आया था तो सब कुछ लॉकडाउन लग गया था, हर जगह लॉकडाउन लग गया था, सारे बिजनेस बंद, सब बंद, सब घर के अंदर। तो उस टाइम बिजनेस का क्या रोल होना चाहिए था? उस टाइम प्रॉफिट का क्या रोल होना चाहिए था? बेसिकली प्रॉफिट का क्या रोल होना चाहिए था? उस टाइम हमने पहले जितने भी प्रॉफिट्स कमाए थे, अब उसके बेसिस पे सरवाइव करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट का काम है टफ टाइम में सरवाइव कराना। अभी बस बचे रहना हमारा एम है, क्योंकि सब लॉकडाउन है, 3 महीने 6 महीने तक लॉकडाउन है। तो अभी जो हमने प्रॉफिट कमाया है उससे हम लोग बस बचे रहेंगे। एनी हाउ वी आर जस्ट गोइंग टू सरवाइव फॉर 6 मंथ्स। फिर जब अच्छे टाइम आएंगे तो हम लोग ग्रोथ पे फोकस करेंगे। तो प्रॉफिट ग्रोथ में भी काम आता है, कब? जब अच्छा टाइम आएगा। और प्रॉफिट सर्वाइवल के लिए भी काम आता है, कब? जब बुरा टाइम चलता है। मेजर ऑफ एफिशिएंसी, प्रॉफिट जो है आपके बिजनेस का एफिशिएंसी मेजर करता है। अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, मतलब आपने बहुत एफिशिएंटली बिजनेस किया। अगर आप कम प्रॉफिट कमा रहे हैं, मतलब आप एफिशिएंटली बिजनेस नहीं कर रहे हो। एंड लास्ट पॉइंट आता है प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन। जो बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, ये उनके लिए प्रेस्टीज का बात होता है। सोसाइटी उनको रिकॉग्नाइज करती है कि वाह, क्या प्रॉफिट कमा रहा है, क्या बिजनेस कर रहा है, ठीक है। और अगर प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो तो सोसाइटी भी थोड़ा अलग नज़र से आपको देखेगी, बोलेगी क्या फालतू लॉस कर रहा है, ठीक है, बैंक का पैसा डुबा रहा है, पब्लिक का पैसा डुबा रहा है, पब्लिक को जिनसे लोन लिया उनको लोन नहीं दे रहा है, इन्वेस्टर्स भाग रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे बिजनेस का फिर प्रेस्टीज नहीं रहता। तो प्रेस्टीज का बात होता है, प्रॉफिट इज़ प्रेस्टीजियस फॉर द बिजनेस, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 खत्म हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना, एंड कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। कुछ और सजेशन है तो बताना। नोट्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे नोट्स आपको मिल जाएगा। सो हम लोग मिलेंगे चैप्टर नंबर 3 पे नेक्स्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच।